और प्यारे बच्चों, चलो ये कहता है थ्री आइडेंटिकल बल्ब्स हैं और 60 वाट है 200 वोल्ट रेटिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज। हमने मार्केट से बल्ब लेके आए और तीनों आइडेंटिकल हैं। ये तीन आइडेंटिकल बल्ब लेके आए तो ये वाली जो चीज है हमने कनेक्ट किया, तीन आइडेंटिकल बल्ब लेके आए और प्लस माइनस 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिए। प्लस माइनस 200 वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब हर एक बल्ब की जो रेटिंग है, हर एक बल्ब की रेटिंग है पावर 60 वाट है एंड 200 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कहता है पावर सप्लाई बाय द पावर ड्रॉन बाय द, ये तीनों कुल कितना पावर लेंगे, तीनों जल रहे हैं, बोथ आर ग्लोइंग, बोथ थ्री आर ग्लोइंग। तो यहां से प्यारे बच्चों कितना हमारा करंट कंज्यूम हो रहा होगा वो हमें पावर निकालना है। तो पावर अगर ये देखोगे इस पूरे सर्किट का पावर यहां से कितना सप्लाई हो, तो पावर इज इक्वल टू होता है आई बी, या पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये वी स्क्वायर ओवर आर मतलब 200 मल्टीप्लाइड बाई 200 और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये वाली चीज अगर मुझे इन तीनों का रेजिस्टेंस पता चल जाए, बल्ब क्या होता है यार, बल्ब का फिलामेंट के पास अपना एक रेजिस्टेंस होता है, तो ये एक रेजिस्टेंस ही था, ये इट्स नथिंग बट इज द रेजिस्टेंस। और थ्री रेजिस्टेंस आर आइडेंटिकल इक्वल, इसकी रेजिस्टेंस आर है तो इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, बल्ब इक्वल रेजिस्टेंस के हैं। तो एक रेजिस्टेंस पता चल जाए तो तीन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पूरे सर्किट जो पावर कंज्यूम हो रहा है, यहाँ से जो पावर जा रहा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो चलो बल्ब के, फॉर बल्ब के लिए देखो, फॉर बल्ब बल्ब के लिए डेटा देखो, तो अगर बल्ब के लिए डेटा देखोगे तो बल्ब का जो पावर है दैट इज वी स्क्वायर ओवर आर। तो बल्ब का रेजिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा दैट इज वी स्क्वायर अपन पावर पी। तो बल्ब का कितना है 200 और ये मल्टीप्लाइड बाई 200 और बल्ब का पावर है 60। ये जीरो ने जीरो को खत्म कर दिया, दैट इज रेजिस्टेंस एक बल्ब का। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, तीन बल्ब हैं तीनों सीरीज में हैं, दैट इज 3R, ठीक है। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 20 और डिवाइडेड बाई 6 और मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये कट गया 2 टाइम्स और 2 ने 2 को खत्म कर दिया, तो दैट इज 2000 ओम, दैट इज नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ये इस सर्किट में ये रेजिस्टेंस है। अब आराम से इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर ला के रख दोगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। तो ये 200 और मल्टीप्लाइड बाई 200 एंड डिवाइडेड बाई 2000 यहाँ से, तो ये दो जीरो ने एक जीरो ने इसको, दैट इज 20 वाट पावर कंज्यूम हो रहा होगा पूरे सर्किट से। ये तीनों बल्ब पूरे सर, ये देखो ये इस यहाँ से इधर इस सर्किट के लिए है और यहाँ से इधर वो बल्ब का डेटा है, ठीक है। ये बात समझना, सर्किट का बात अलग है, सर्किट की बात अलग है, बल्ब का कॉन्सेप्ट अलग है। तो 20 वाट इसका सोल्यूशन होगा, दैट इज डी ऑप्शन हम लोग का सही है। चलो नेक्स्ट।